हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, आने वाले 7 दिनों में आपके लिए क्या गाइडेंस, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी आने वाले 7 दिनों में, ठीक है, ये सारी बातें जानेंगे। और आपका हेल्थ कैसे रहेगा, मूड पूरा वीक कैसे रहने वाला है, ठीक है, तो ये सारी बातें जानेंगे आज की रीडिंग के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें तो नेक्स्ट 7 डेज का ये प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। We have 6 of Pentacles, 5 of Wands, 3 of Cups, 8 of Swords, 6 of Cups, Queen of Cups, हैंग्ड मैन। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, यहाँ पर 3 कार्ड एक साथ। इसके बाद मुझको दिख रहा है यहाँ पे एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेजर खाने से कोई कार्ड नहीं आया, सो मेजर चेंजेस तो नहीं दिख रहे हैं आने वाले 7 दिनों में, लेकिन एक थोड़ी एडवाइजेस भी हैं, थोड़ा सा आपके लिए एडवाइज है और आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट भी आया है कि आपको क्या चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखिए आने वाले टाइम में थोड़ा माहौल गर्म दिख रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शांत हैं, आप बिल्कुल सही से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सामने वाला आपको इरिटेट नहीं करेगा। सामने वाले का मन है तो वो आपको इरिटेट कर सकता है, आपको नेगेटिव फील कराने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, और आपके काम अच्छे से ना हो इसके लिए जो उससे बन पड़ेगा वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं आने वाले 7 दिनों में। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आई है ना इस झगड़े से बचने के लिए, ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। अब गाइज आने वाले टाइम में आप ये समझ के चलें कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद से उठानी पड़ सकती है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 of Pentacles का कार्ड बता रहा है कि आपको अब अपने डिसीजन खुद से लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद से देखनी है और अपने सारे डिसीजन और जो भी स्टेप्स आप लेने वाले हैं दूसरे आपको, आई डोंट थिंक सो कि कोई आपकी हेल्प करने वाला है या कोई आपको अच्छे से गाइड करने वाला है डिवाइन को छोड़कर, लेकिन यस आपको अब अपनी जिम्मेदारियां खुद से उठानी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आ जाइए। इमोशनली आपको ज़्यादा फील नहीं करना है किसी के साथ, अगर कोई रिश्ता अच्छा है अच्छी बात है, नहीं है तो उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ देना है, दिल पर बातों को लगाना नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है क्योंकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है या जो भी आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं ज़्यादा अटैचमेंट वो आपसे रखते नहीं हैं, और आपका हो सकता है स्वभाव उनके लिए बहुत अच्छा हो, आपके दिल में उनके लिए काफ़ी स्पेशल प्लेस है, लेकिन सामने वाला ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वही वो भी वैसा ही फील करते हो आपके लिए। तो जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करना है, अगर आपको थोड़े थोड़े से अगर आपको देखो ऐसा कभी कभी फील हो इन आने वाले 7 दिनों में, इसने मुझे हर्ट कर दिया, ठीक है, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, आपको दिल पर लगाना ही नहीं है, कह दिया मैंने लिया ही नहीं अपने ऊपर, ठीक है। आज का जो भी एनर्जी आई आपके पास, चाहे पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, कल तक उसका असर नहीं होना चाहिए। कल एक नया दिन है, कल एक फ्रेश स्टार्ट है, तो एक नए तरीके से ही हमें सोचना है, नए तरीके से जिंदगी को जीने की कोशिश करनी है। प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके देखो ओवरऑल एनर्जी ना यहाँ पे 10 of Swords की है, तो थोड़ा सा आप मुझे परेशान दिख रहे हो, ठीक है, वो पता है किस वजह से दिख रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो या तो प्रोग्रेस को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं
ठीक है, या फिर आप ये कह लीजिए डिवाइन ही आपका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं इन लोगों के थ्रू। ओके, तो अगर आप ये सोच के करेंगे ना कि हर कर्म मेरा, मुझे जो भी मिल रहा है सामने से मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरा खुद का कर्म है, कुछ ना कुछ किया हुआ जिसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। प्यार मिल रहा है तो भी कर्मों से मिल रहा है, नफरत किसी की मिल रही है तो भी वो मुझे मेरे कर्मों से मिल रही है, ठीक है, ऐसे सोचें। अब चलो, कर्म से हमें अच्छा बुरा तो वो तो हमारे कर्म, हम कर कर आए हैं, अब हम उसे नहीं बदल पाएंगे, वो तो हमें मिल के रहेगा। अब करना क्या है कि अपना, मतलब अपने आप को सही से रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना ऑल द टाइम, करना क्या है, दिल पर लगाना नहीं है बातों को, नंबर वन थिंग। दूसरा, अगर आप दिल पर नहीं लगाएंगे तो सच में इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ओके, ये मान के चलें कि अगर मैंने ये इंसल्ट या फिर ये पेन सह लिया, ठीक है, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी वहाँ पर, जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी आ रही है या अपना कर्म आप फेस कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, उसको सहकर आप आगे बढ़ गए, तो आपने अपना एक बुरा कर्म ख़त्म कर दिया, ठीक है। वो आपके कार्मिक अकाउंट, जो आपका जो अकाउंट बना हुआ है ना यूनिवर्स में, वहाँ से वो डिलीट हो गया, और अब आगे अच्छे कर्म करते रहो तो वो ऐड होते जाएंगे, तो आगे अच्छा ही मिलेगा आपको। जितना कर्म अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता जाएगा, ये तो कर्मों के बारे में सभी को पता है, ठीक है। तो आप ये सोच के चलें कि जो मिल रहा है वो मेरा ही कुछ ना कुछ किया धरा है, तो मुझे ज़्यादा दिल पर लगाना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी सोल को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, और अगर मुझसे कोई जेलेसी कर भी रहा है तो हो सकता है मुझ में कुछ काबिलियत है, मुझ में कुछ खासियत है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अपने आप को यूनिक मानना शुरू कर दो। और एक चीज़ मैं और कह रही हूँ, जो लोग सच में बहुत कामयाब हो जाते हैं ना, तो गाइस ये बिल्कुल ट्रू है कि कामयाब तक जब जब उनको सक्सेस मिल जाती है, जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, वहाँ भीड़ कम होती है। क्यों भीड़ कम होती है? क्योंकि इतनी आगे तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, तो ऑब्वियसली भीड़ कम होती जाएगी, जितना आगे बढ़ते जाओगे आपके आसपास की भीड़ कम होती जाएगी। भगवान ने सबको वहाँ तक पहुँचने के लिए अलाउ नहीं किया है, अगर आप पहुँच गए इट मीन्स आप में वो बात है, आप में वो क्वालिटी है, और आप वो चीज़ डिजर्व करते हैं, तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो वहाँ ऑलरेडी कम हो जाएंगे, सिर्फ आपके वही लोग मिलेंगे आपको जो आपकी तरह होंगे। तो जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पहुँचना है, आगे बढ़ना है, तो दिल पे चीज़ों को लेना छोड़ दो, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, मुझे आप इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सर्च करते हुए दिख रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आने वाले 7 दिनों में, और बाकी अपने आप को आर्ग्यूमेंट से बचाना, प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश करना। इन 7 दिनों में कुछ की लाइफ में रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप वैसे तो ट्रैक पर आ रहे हो, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन भी आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स की। तो इस एनर्जी से बचने के लिए मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, बातों को दिल पर लगाना नहीं है, और हर चीज़ में डिवाइन की ब्लेसिंग फील करनी है जो भी हो रहा है। अगर कोई आपको बुरा भी कहे ना, आप बोल दो कि मेरा भगवान ना मेरा एक कर्म ठीक करवाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो यहाँ शांत रहूंगा या रहूंगी, और इसको जो कहना है कहे, मैं अपने ऊपर लूंगा लूंगी ही नहीं, इस तरीके से बोल देना, ठीक है, और साइलेंटली आगे बढ़ जाना। और आज की डेट से गाइज मुझसे लिखवा लीजिए, आपको ज़्यादा सपोर्ट किसी से नहीं मिलने वाला, किसी फैमिली से नहीं, किसी फ्रेंड से नहीं, किसी रिलेटिव से नहीं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी, ये चीज़ आपके लिए आ रही है। तो जितना इंडिपेंडेंट बनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो, जितना अपनी जिम्मेदारियां उठा लोगे उतना स्ट्रांग बनोगे, और ये इमोशनल फूल भी नहीं कभी भी बनोगे, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी गाइस, हेल्थ इश्यूज मुझे दिख नहीं रहे हैं आपके साथ, ठीक है, थोड़ा सा बस टेंसड हो, इस वजह से हल्का सा हेडेक हो सकता है, लेकिन हेडेक मुझे नहीं लग रहा बहुत मेजर लेवल पर होगा, हल्का फुल्का नॉर्मल सा, हेल्थ इश्यूज नहीं है आपके साथ। इमोशनल लॉस, देखा, इमोशनल लॉस से बचना पड़ेगा गाइस, बचाना है आपको, ठीक है। आप देखो, अगर इमोशनल लॉस में गए तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तब हेडेक हो सकता है आपको हल्का फुल्का, लेकिन आपको ना अपने आप को इस एनर्जी में नहीं लेकर जाना। ओके, कोशिश करना, ये आपके लिए गाइडेंस है।
सेवन चक्रा, क्राउन चक्रा पे वर्क करना। पता है एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए हमारा हमारे शब्द भी हमारी एनर्जी होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, ये सारी बातें। अब जो आप सुन रहे हैं वो तो आपके हाथ में, आप उसको कितना मतलब अपने मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं, तो अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो आप तक वो एनर्जी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ बोलने से पहले भी, जब लाइफ बैलेंस हो जाती है ना, जब हमारी लाइफ में बैलेंस आ जाता है, तो बोलने से पहले भी हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं, कुछ गलत तो नहीं बोलने वाले। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, आप शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करने लगेंगे, आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे गलत शब्द मुझे परमात्मा से दूर कर सकते हैं, ठीक है, मेरे भगवान से दूर कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप आगे जाते जा रहे हो अपनी लाइफ में, उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा सा सोच कर बोला करें, बहुत ध्यान से सोच समझ के, अपने सेवन चाक्रा को आपको बैलेंस करना है। हार्टेक एंड लॉस, डिस्कनेक्शन एंड बोर्डम एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, 77 मास्टर नंबर एंड जजमेंट एंड 11 वी हैव मास्टर नंबर, ठीक है। अब हमारे पास एक मास्टर मेजर और काना से कार्ड आया है। ओके, पेशेंस के लिए कह रहे हैं, देखो डिवाइन मुझे लग रहा है आपका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये 7 डेज हो सकता है आपके परीक्षा में जाएं, तो आपको देखो इस टाइम आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो सकते हो लोगों से, और अपने जो भी आपको हार्ट एक होता है या फिर आप लॉस फील करते हैं उसको रिकवर करने के लिए, उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बैलेंस 100% बन जाएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप सीख रहे हो कि किन से बात करनी है, किन से नहीं करनी, किसके साथ कितना कनेक्शन सही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। तो यस, आपकी लाइफ में इम्प्रूव, देखो जब मुझे पेन दिखता है ना लाइफ में, आप मैं सच में बता रही हूँ, उन्हीं की लाइफ में भी चेंज आता है, उन्हीं की लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो आप ये समझ के चले, भले ही थोड़ा सा टेंस वाली सिचुएशन है, टेंस जो आप, ठीक है, लेकिन यही टाइम आपको और ऊंचाई तक लेकर भी जा रहा है। तो ये सिर्फ 7 दिन की बात है, डोंट वरी। तो आपके देख लेना, 7 डेज के बाद आपकी लाइफ में और भी चेंजेस आ जाएंगे और अच्छा बैलेंस बन जाएगा, और अच्छे से कैसे बात करनी है ये आपको समझ में आ जाएगा, और जजमेंट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जजमेंट मिलना भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लव लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं आया गाइस, तो यहाँ से हम लव लाइफ के बारे में भी जान लेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी आने वाले 7 दिनों में। वैसे एनर्जी तो सिंगल ही दिख रही है। ओ माय गॉड, सोलमेट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, तो कल पहला व्रत भी है सावन का। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वेरी गुड, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप पर प्यार, अपने आप पर विश्वास, अपने खुद के लिए प्यार बढ़ाना है आपको पहली बात। तो अगर आपको देखो लव लाइफ को इम्प्रूव करना है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले रखो, ठीक है। अपने पार्टनर की सारी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपके सच्चा प्यार है तो ये आपके पास आएंगे। कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं आपके कनेक्शन में राइट नाउ, कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ये कंट्रोल इश्यूज़ जो भी हैं ये नेचुरली ही ख़त्म होंगे। और अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनको लगातार याद करते हैं और आप इनको अपनी प्रेयर्स में याद करते हैं, एफर्मेशंस में आप अपने पार्टनर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो कल से बेटर डे कोई नहीं है गाइस। कल से स्टार्ट कर दो डेली एफर्मेशंस बोलना। अब सही समय क्या हो सकता है एफर्मेशंस बोलने के लिए, तो मॉर्निंग का टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम, ठीक है, या 4 से 5:30 का टाइम, या हद हो गई तो 6 बजे तक का टाइम, ठीक है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं और आप उठ के 5 मिनट 10 मिनट अपने एफर्मेशंस बोलते हैं, अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अगर बोलना है, या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बोलना है, ठीक है, तो आपको एफर्मेशंस बोलने हैं मॉर्निंग टाइम, ये 4 से 6 बजे तक का बहुत बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम यूनिवर्स तक डायरेक्ट हमारी आवाज़ पहुंचती है, और आप अपने कनेक्शन में जो भी कंट्रोल
इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं जो आपके कनेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप इनके सल्यूशन के लिए भी मैनिफेस्ट कीजिए. और सब कुछ प्रेजेंट टेंस में करना है, कैसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है, हम बहुत खुश हैं, इश्यूज सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलना है. लेकिन अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को, ठीक है, पहले रखिए, और इस कनेक्शन पर और खुद पर भी ट्रस्ट कीजिए. यही चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, तो बैलेंस भी बनेगा, सब चीज़ें हो जाएगी, आपके कनेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. और कल का दिन बेस्ट है, तो कल से अपनी अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दीजिए. ओके, ये आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस आई है. दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर.